WTC फाइनल में हारने के बाद भारतीय टेस्ट टीम के सीनियर खिलाड़ी चेतेश्वर पुजारा को ड्रॉप कर दिया गया है। इस साल पुजारा का प्रदर्शन टेस्ट में कुछ खास नहीं रहा है। 8 इनिंग्स में पुजारा ने 181 रन बनाए हैं, जिसमें उनकी एवरेज 25.85 की है और उनका हाईएस्ट स्कोर 59 है। तो अब सवाल ये है कि कौन होगा पुजारा का रिप्लेसमेंट। वेस्ट इंडीज दौरे के लिए भारत की टेस्ट टीम में दो युवा बल्लेबाजों को जगह मिली है, ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल। फर्स्ट क्लास क्रिकेट और IPL में शानदार प्रदर्शन के बाद इन दोनों खिलाड़ियों को भारतीय टीम में जगह मिली है। इनमें से कोई एक खिलाड़ी पुजारा को रिप्लेस करता हुआ नजर आ सकता है। यशस्वी जायसवाल की बात करें तो 2023 के IPL सीजन में उनका प्रदर्शन काफी बढ़िया रहा है, जहां 14 मैच में 48.08 की एवरेज से उन्होंने 625 रन बनाए हैं। और अगर फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड की बात करें तो 15 फर्स्ट क्लास मैचेस में जायसवाल ने 1845 रन बनाए हैं, जिसमें उनकी औसत 80.21 की है और उनका हाईएस्ट स्कोर 265 है। वहीं ऋतुराज गायकवाड़ की बात करें तो 28 फर्स्ट क्लास मैचेस में गायकवाड़ ने 1941 रन बनाए हैं, जिसमें उनकी एवरेज 42.19 की है और उनका हाईएस्ट स्कोर 195 का। वहीं IPL 2023 में गायकवाड़ ने 16 मैच में 42.14 की औसत से 590 रन बनाए। यशस्वी जायसवाल WTC फाइनल में भारतीय टीम के रिजर्व्स में भी शामिल थे, इस वजह से जायसवाल वेस्ट इंडीज दौरे पर नंबर 3 की पोजीशन के लिए भारत के फ्रंट रनर भी हो सकते हैं। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द कैंप।